क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में जो दो चीज़ें मुझे चाहिए हैं मैं उसका बता देती हूँ। एक किलो मैंने आम लिए हैं, उसको मैंने एक दिन पहले ये काट के इस तरह से पीसेस और फ्रीजर कर दिए थे ताकि खूब ठंडे यक्स हो जाएं। फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये चीनी है मेरे पास 125 ग्राम। आम बहुत ठंडे यक्स हैं मेरे पास। अब हमें मिक्सिंग जार लेना है और उसके अंदर ये तमाम पीसेस डालेंगे। हम चीनी डालेंगे, पानी नहीं डालना है हमें फ्रेंड्स में, बगैर पानी के ही हमें इसे ये रखिए आम का फल इस तरह से इतना गाढ़ा होना चाहिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ का बहुत एहतियात करनी है कि अगर आपके पास रेशे वाला आम है तो अगर उसका आप इस तरह से जब इसकी ये पल बनाएंगे तो उसको लाजमी छान लीजिएगा, क्योंकि रेशे वाला आम जो है छानना ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में मैंने एक ये बाउल लिया है, इसमें ये भी क्रीम जो मैंने डाली है ये फ्रेश क्रीम है मेरे पास 200 ग्राम, ये भी बिल्कुल ठंडी है। अब हम इसे फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी सी मैब हो चुकी है। मैं इसमें से सिर्फ 2-3 चम्मच ये अलग कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। इसका मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैं बाद में किस तरह मैं यूज़ करूँगी। अब ये जो हमने आम का पेल बना के रखा है ये इसमें मिक्स करेंगे हम, बाकी में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए ये दोनों मिक्स हो गया है, क्रीम भी और जो मैंगो का पेल था कितना अच्छा सा। अब इसे मैं फ्रीजर करने के लिए रखूंगी। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें अब मैं ये डालूंगी मिक्सचर। इसका मैंने आधा मिक्सचर डाला है। अब ये जो फ्रेश क्रीम मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल मुझे किस तरह करना है, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये किस तरह से डाला चम्मच। थोड़ी सी और डालूंगी मैं इस तरह से। अब मुझे ये इस तरह से ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा हल्की सी इसके साथ डिजाइनिंग आ जाती है इस तरह से। जब हम निकालेंगे इसको ये जब जम जाएगी तो आप देखिएगा कितना अच्छा सा है। इसमें दोबारा से ये फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करूंगी मैं। हल्का से इस तरह से आप हिला देंगे तो इसको ये डिजाइनिंग की सूरत में येलो और आप देख सकते हैं इस तरह से येलो और वाइट दोनों मिक्स किस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा। टैप कर देंगे, ये है मेरे पास अल्मोनियम शीट। मैं इसको कवर करने के बाद फिर इस पर ये कैप लगाऊंगी। इससे ये होगा कि जो आइस होती है वो नहीं जमेगी, इससे आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी से जमती है। अब मैं इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर कर रही हूँ, उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। फ्रेंड्स आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी सेट हो गई है ये देखिए। मैं आइसक्रीम स्कोप से अब इसको निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको व्हाइट कलर जो मैंने इसमें अलग से डाली थी मैंने ये फ्रेश क्रीम, तो उसकी भी लेयर आई हुई है। बहुत मज़े की होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे फीडबैक में बताइए।